क्वालिटी पसंद लोगों के लिए। नमस्कार, बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। तो गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में बुआ बबुआ के साथ की बड़ी जीत हुई है और योगी केशव के गढ़ में बीजेपी की बड़ी हार। दोनों ही सीटों पर सपा उम्मीदवारों ने भारी मतों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवारों को भूल चटाई। तो आज बिग बुलेटिन में सवाल यही कि बीजेपी के इस बड़ी हार के मुख्य कारण क्या रहे? क्या सपा बसपा के साथ ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा? क्या 2019 के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे इन उपचुनावों के नतीजों ने विपक्षियों को साथ आने की जरूरत का संदेश दिया? एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिनसे तमाम सवालों पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उपचुनाव में हर पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा अति आत्मविश्वास रहा हार का कारण। दोनों चुनाव एक सबक हैं, इसकी समीक्षा करेंगे। उपचुनावों में शानदार जीत के बाद बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा जनता बीजेपी से त्रस्त है, सीएम ने सदन में उड़ाई थी संविधान की धज्जियां। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर सपा का कब्जा, सपा प्रत्याशी नागेंद्र बटेल ने बीजेपी प्रत्याशी कौशलेंद्र बटेल को करीब 60,000 वोटों से हराया। गोरखपुर में प्रवीण निषाद की शानदार जीत। मेरठ में जीत के जश्न में सपाइयों ने खोया आपा, सपा कार्यकर्ताओं में जमकर चले लाल फूंसे, जश्न के दौरान आपस में भिड़ गए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। रियल पूनिया का गठबंधन पर बड़ा बयान, कहा सोनिया की डिनर पार्टी से पड़ी है महागठबंधन की नींव, क्षेत्रीय झगड़ों को भुलाकर एक मंच पर आएंगे विपक्षी दल। ब्रिटेन के प्रख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन, 76 साल के थे हॉकिंग। हॉकिंग ने दुनिया को समझाई थी ब्लैक होल और बिग बैंग की थ्योरी। नीरज अग्रवाल के साथ काला धन खपाने वाले का नाम उजागर, एक एंटरप्राइज फर्म के प्रोपराइटर विनीत अग्रवाल ने नोटबंदी में की काले धन की खपत, विनीत के अलग अलग बैंक खातों में खपाया 28 करोड़ का काला धन। लखनऊ में बीएसपी विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा के बेटे ने नोटबंदी में की काले धन की खपत, विनीत के अलग अलग बैंक खातों में खपाया 28 करोड़ का काला धन। लखनऊ में बीएसपी विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा के बेटे ने की खुदकुशी, गोली मार कर दी जान। कन्नौज में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को रौंद दिया, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की गई जान, ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से हुआ फरार। गाजियाबाद में दबंगों के गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ, दबंगों ने 3 युवकों को बेरहमी से रात घूंसे से जमकर पीटा, साइकिल पर जाट लिखने से भड़क गए थे दबंग, मोदीनगर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके की घटना। पच्चीस साल बाद मिले सपा बसपा के दिल, तो योगी केशव के तुर्क में घुस गई साइकिल। सूबा दर सूबा उपचुनाव में बीजेपी की हार जारी, क्या 2019 में बीजेपी पर भारी पड़ेगी यारी? बिल्कुल, बड़ी सभा, बड़ा मुद्दा और बड़ी बात यही है कि आखिरकार क्या 2019 में भी महागठबंधन की यारी पड़ेगी बीजेपी पर भारी। तो यूपी उपचुनाव में सपा ने बीजेपी को जबरदस्त पटखनी दी है। गोरखपुर और फूलपुर सपा की शानदार जीत दर्ज हुई है, योगी और केशव मौर्य के गढ़ में साइकिल घुस गई है। फूलपुर से सपा के नागेंद्र बटेल 59,613 वोटों से जीते हैं, बीजेपी प्रत्याशी कौशलेंद्र बटेल को भारी अंतर से हराया है। वहीं गोरखपुर में 21,961 वोटों से सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद सपाइयों में खुशी की लहर है और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से
जश्न मनाया जा रहा है। जश्न में डूब गए हैं इस वक्त सपाई, सपा कार्यकर्ता कहीं ढोल नगाड़ों के थाप पर डांस कर अपना खुशी जता रहे हैं तो कहीं पर मिठाइयां खिलाकर। जश्न की तस्वीरें देखनी बनती हैं, जश्न की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। जश्न की अलग अलग जिलों से 5 तस्वीरें, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, आगरा और मिर्जापुर की ये तस्वीरें, ये बताने के लिए काफी है कि कितनी बड़ी जीत है ये समाजवादी पार्टी के लिए। कितने खुश है कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी ये उम्मीद नहीं थी कितनी बड़ी जीत होगी, इस मार्जिन से जीत होगी। और बीजेपी के गढ़ में गोरखपुर में भी इतनी बड़ी जीत होगी, इसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की। वहीं अपनी इस बड़ी हार पर सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जनता के फैसले को हम स्वीकार करते हैं, जो ये जनता ने फैसला दिया है यह अप्रत्याशित है। हम लोगों ने पूरी मेहनत की थी लेकिन कहां कमी रह गई है इस बात की हम अवश्य समीक्षा करेंगे, जिससे 2019 में सपा बसपा का जो यह राजनीतिक सौदेबाजी एक बार पुनः प्रदेश और देश के विकास को बाधित करने के दिशा से बना है, इसके बारे में हम लोग अपनी पूरी रणनीति तैयार करेंगे। सपा बस अंतिम समय में, क्योंकि जब प्रत्याशी घोषित हुए थे उस समय सपा अलग थी, बसपा अलग थी, कांग्रेस अलग थी, सभी लोग अलग अलग थे, लेकिन चुनाव के बीच में सपा बसपा का राज्यसभा चुनाव की दिशा से एक प्रकार का आपसी सौदेबाजी होना और जो एक बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं ना कहीं कमी रही और वह अति आत्मविश्वास उसका एक कारण है। देखिए, यह मैं मानता हूं, इतना मैं नहीं मान रहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बसपा जो उसका वोट है उसे इतना ट्रांसफर कराने में कामयाब होगी, क्योंकि जब हम अपना कैंडिडेट लेकर के आए थे उस समय सपा और बसपा एक नहीं थे, और जब चुनाव के लिए मतदान होना था उस समय तक दोनों एक साथ आ गए, कांग्रेस भी आंतरिक समर्थन किया, और उसके कारण से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही है, लेकिन अंतिम परिणाम आने के बाद हम सारे लोग, संगठन के लोग, पार्टी के लोग, सब लोग बैठेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे कि इसका कारण क्या था, और भविष्य में अगर सपा बसपा कांग्रेस तीनों साथ आकर के लड़ेंगे तब इनको कैसे परास्त करना है और 2019 में कैसे विजय प्राप्त करना है, इसकी रणनीति बनाएंगे। ये ध्यान में बात तो आई कि पोलिंग परसेंटेज कम हुए थे, थोड़ी चिंता थी, और बात सामने है, नेक टू नेक फाइट में चीजें सामने आ रही है, परिणाम आने दीजिए, हम इसमें कहां कमी रह गई है इसकी समीक्षा करेंगे, संगठन इस पर फोकस करेगा, ध्यान देगा। बीएसपी एसपी की बात नहीं है, आज भी मोदी जी की सरकार, योगी जी सरकार बहुत शानदार अच्छे जनहित के काम कर रही है, ये कोई वेव नहीं है, थोड़ा सा नीचे कहां कोई चूक रह गई है उसकी परिस्थिति है, हम पर्याप्त सक्षम है, इसको संभालेंगे। तो कहां कमी रह गई इस पर समीक्षा की जाएगी। वहीं अपनी इस जीत पर सपा क्या का कुछ कहना है और सपा की जीत पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। नहीं, मैं ये कह सकता हूं ये समाजवादियों की जीत है, माननीय अखिलेश यादव जी की सोच की जीत है, मायावती जी के समर्थन की जीत है, और जिनको ये सामंतवादी विचारधारा के लोग सांप और छछूंदर कह रहे थे, ये उन सांप और छछूंदर, पिछड़े और दलितों की जीत है, ये मुसलमानों की जीत है। मैं ये कह सकता हूं कि ये जीत उन लोगों की है जिनको इन्होंने वादा किया था, बाद में कहा कि ये जुमला है, ये किसानों की जीत है,
और ये जीत उन परिवारों की है जिनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जिनकी बहन बेटियों को जिंदा जला दिया गया, और ये उन नौजवानों की भी जीत है जिनको रास्ता दिखाया गया कि आपको रोजगार के नाम पे पकौड़ा मिलेगा। पकौड़ा बसपा के लोगों ने बहुत ईमानदारी से, कार्यकर्ताओं ने और मजबूती से काम किया, मैं उन्हें सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके माध्यम से दोनों लोकसभा क्षेत्र की जनता का, गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का, फूलपुर लोकसभा की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस देश की महत्वपूर्ण लड़ाई में ये जो चुनाव दोनों लोकसभाओं का था, उसमें उनकी पार्टी का, उनका सहयोग, उनका समर्थन मिला। मुझे खुशी है इस बात की कि गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, बेरोजगारों ने और खासकर हमारे दलित भाइयों ने जो मदद की है, उसी का परिणाम है ये ऐतिहासिक जीत हुई है। को वादे दिखाए गए थे, एक भी वादे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है, उसी का ये असर है कि जनता एक होकर के इनके खिलाफ मतदान की है। इतने बड़े पैमाने पर वादा खिलाफी किसी राजनीतिक दल ने नहीं की होगी जितना भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैं ये कहता हूं दोनों सरकारों के खिलाफ है। चुनाव तो लोकसभा का था, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से 325 और 73 सांसद थे, लोग इंतजार कर रहे थे कि कब काम आएगा, कब खुशहाली आएगी। अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन कम से कम जनता एक हो गई और बीजेपी के बुरे दिन लाने का काम किया। इस जीत को मैं जनता की जीत देखता हूँ। आज जो बीच में भारतीय जनता पार्टी ने फरेब करके, झूठ चाल करके, लोगों को झूठा आश्वासन देकर के जो फंसा करके 14-17 जीत गई थी, जनता ने उसके मुंह को तोड़ा है। और जनता समाजवादी नीतियों में विश्वास किया है, अखिलेश यादव और मायावती जी में विश्वास किया है, जनता ने विकास पर विश्वास किया है और यही काम अब आगे तक चलता रहेगा। देखिए, ये संकेत देश में हर जगह से आ रहा है। गुरदासपुर से लोकसभा का उपचुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी जबरदस्त मार्जिन से जीती। फिर उसके बाद दो लोकसभा और एक विधानसभा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी तीनों जीती। जगह जगह संकेत तो ये मिल रहे हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी और उससे बनी हुई सरकारों से नाराज हैं, और नाराजगी का इजहार करने के लिए उन्होंने वोट दिया है, और वोट भी उसको दिया है जो कि वो देख रहे हैं कि ये कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। सर, आप कांग्रेस भी कहीं ना कहीं खुशी नजर आ रही है कि आज समाजवादी पार्टी जीती है, तो कम से कम अब महागठबंधन की तरफ राहें आगे बढ़ी। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबका तारुफ कराते हैं जल्दी से, फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। राकेश त्रिपाठी साहब प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत राकेश त्रिपाठी जी आपका। आसिफ रिजवी साहब है, नेता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत आसिफ रिजवी जी आपका भी। और अनिल केंकुर साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राकेश त्रिपाठी जी, कहां कमी रह गई, क्या अति आत्मविश्वास जो जिक्र सीएम ने भी किया, ओवर कॉन्फिडेंस, वो ले डूबा? देखिए अपूर्व जी, कमियां क्या रह गई, खामियां क्या रह गई, ये सब विस्तृत समीक्षा का विषय है और नेतृत्व इसकी समीक्षा करेगा, माइक्रो लेवल पर करेगा, बूथ स्तर, बूथ वाइज करेंगे कि किस किस बूथ पर हम कहां कहां किन किन कारणों से हारे। लेकिन मैं इतनी बात अपूर्व जी आपके साथ जरूर कहूं, डिस्कस में रखूंगा कि ये उपचुनाव कोई सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहे थे, प्रधानमंत्री चयनित करने के लिए नहीं हो रहे थे। उपचुनाव के अपने अलग स्थानीय कारण होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने पूरी गंभीरता से, पूरी शिद्दत के साथ ये चुनाव लड़ा। हम अपनी रणनीति में कहां चूके हैं इसकी समीक्षा जरूर करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज अगर आप देखें तो जो पिछले 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, हम लगभग 39% वोट हमने प्राप्त किए थे और इस चुनाव में भी 38-39% वोट लगभग हमने प्राप्त किए हैं। तो हमारे मतों में कोई बड़ी गिरावट आई है ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जो लगभग 22-23%
दोनों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में प्राप्त किए थे वो दोनों एक साथ कंसोलिडेट होने के कारण उनका मत प्रतिशत हमसे ज्यादा हो गया और वो सीट उन्होंने हमसे जीत ली है। और बड़ा कारण अभी हम त्वरित रूप में देख रहे हैं कि जो कम मतदान हुआ पिछली बार 2014 में 54% मतदान हुआ था फूलपुर में और इस बार वहां पर केवल 37% मतदान हुआ है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गिरावट है। जब मतदान में इतनी बड़ी गिरावट होती है और शहर उत्तरी इलाहाबाद की एक सीट जहां से 90,000 की हमारी मार्जिन थी, शहर पश्चिमी जहां से हमारी 80,000 की मार्जिन थी, यानी 1.5 लाख से ज्यादा की मार्जिन हमारी केवल इन दो सीटों से थी, जितना वोट लगभग हमको मिला है आज, 2 लाख से ज्यादा हमको वोट मिले हैं। मैं मानता हूं कि अगर इन शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत इतना कम न हुआ होता तो शायद ये हालात न होते। अब मतदान कम क्यों हुआ, इन सारे विषयों की समीक्षा करने की। आपके आपकी सरकार के अंतर्गत इतना ज्यादा हमने देखा उत्साह वोटर्स में नजर नहीं आया कि लोग, वो लोग जो आपके लिए परंपरागत वोटर्स के तौर पर थे, चाहे इलाहाबाद उत्तरी की बात करें, पश्चिमी की बात करें, गजब का गढ़ माना जाता है आपका, उसके बावजूद वहां से भी लोग नहीं निकले। वही तो आपकी ही नाकामी है, नहीं तो और क्या है जिस वजह से लोग नहीं निकले? कहीं ना कहीं उत्साह में कमी नजर आई, संगठन भी ओवर कॉन्फिडेंट था, संगठन ने भी जमीन पर वो काम नहीं किया जिसकी मेहनत की जरूरत थी। देखिए अपूर्व जी, कहीं ना कहीं उपचुनावों में हमेशा से वोटिंग परसेंटेज डाउन होता रहा है। अगर आप ट्रेंड को देखें तो हर उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज आम चुनाव की तुलना में हमेशा डाउन रहता रहा है और फूलपुर में ये परसेंटेज थोड़ा ज्यादा डाउन हो गया। गोरखपुर में भी परसेंटेज डाउन हुआ लेकिन फूलपुर की तुलना में गोरखपुर में बेहतर रहा। लेकिन हम मानते हैं कि ये कम मतदान के कारण क्या रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाला है, कहीं ना कहीं उसको ये विश्वास समाधान था कि इस चुनाव को जीतने या हारने से सरकार की सेहत पर कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है, सरकार बनने बिगड़ने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अधिक आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं में भी था, भाजपा को वोट करने वाले वोटर में भी था। इसी नाते कहीं ना कहीं उसने इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। हम कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां हमसे रह गई, कुछ चूक हमसे रह गई और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जो एक जातीय ताना बाना सामाजिक समीकरण बनाने का काम किया, कहीं ना कहीं हम उसके सामने उसका आकलन करने में हमसे चूक हुई। हमने जब चुनाव की शुरुआत की थी, तो समाजवादी पार्टी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में थी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव से बाहर थी, कांग्रेस पार्टी एक अलग पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रही थी। लेकिन चुनाव में चंद दिन ही जब बचे थे अचानक रणनीति में परिवर्तन किया और हमें बिल्कुल इस बात का आकलन नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी इस लेवल पर, इस स्तर पर अपने वोट ट्रांसफर करा ले जाएगी। क्योंकि 1995 में जिस तरह की घटना घटी थी, जो इंडिविजुअल लेवल पर थी, जिसको लेकर के सेंटिमेंटल अटैचमेंट था, उसको लोग उनका कैडर भूल करके एकजुट हो जाएगा, इस बात की कहीं ना कहीं आकलन समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को भी नहीं था। यही कारण है कि आप देखें कि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने सुबह ही आज ईवीएम पर पहले प्रश्न उठाए, उसके बाद इन्होंने प्रशासन पर तमाम तरह के प्रश्न उठाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक राजनीति की है, सुचिता की राजनीति की है। हमारी सैद्धांतिक राजनीति, सुचिता की राजनीति आज इनके जाति तंत्र की राजनीति से हार गई है। हम समीक्षा करेंगे कि हम अपनी सैद्धांतिक राजनीति को और कैसे, कितना मजबूत करें, रणनीतिक स्तर पर हम क्या क्या सुधार करें कि हम सपा बसपा कांग्रेस की सुचिता की राजनीति की है। हमारी सैद्धांतिक राजनीति, सुचिता की राजनीति आज इनके जाति तंत्र की राजनीति से हार गई है। हम समीक्षा करेंगे कि हम अपनी सैद्धांतिक राजनीति को और कैसे, कितना मजबूत करें, रणनीतिक स्तर पर हम क्या क्या सुधार करें कि हम सपा बसपा कांग्रेस की सबका मिलकर गठजोड़ बन जाता है तो भी हम उसको पराजित करें। और हमें पूरा विश्वास है कि 2019 में हम इस पराजय का बदला ले लेंगे। बिल्कुल, मंथन तो करना ही पड़ेगा। आसिफ रिजवी साहब, कांग्रेस की हालत तो एकदम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप हो गई है। हम देख रहे थे कई कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े, अपनी हार पर, इतनी बुरी हार हुई है कांग्रेस की उस पर चिंता नहीं है, बीजेपी की हार किस वजह से हुई है उस पर बहुत खुश नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप हालत क्यों सर? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसको बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, मैं अपनी हार से कहीं भागने वाला नहीं हूं। बिल्कुल, मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी हारी है और इसकी समीक्षा हमें करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि उपचुनाव, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि उपचुनाव से किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस उपचुनाव से बहुत लेना देना था, क्योंकि जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी गली गली कोने कोने जाके ये बात कह रही है भैया कि ये चुनाव जो है मोदी जी, अमित शाह जी और हर क्षेत्रीय मुख्यमंत्री का नाम लेके कह रही है, उसके दम पे लड़ा जा रहा है। और चाहे आप मध्य प्रदेश देख लिए, चाहे आप राजस्थान देख लिए, अभी भाई ने कहा कि कम बोली हुई थी यूपी, मैं वहां पर भी आ रहा हूं, इन दो सीटों पर वहां पर भी आ रहा हूं,
मेरी बात का नाम नहीं लिया गया, मैं तो कहीं नहीं सुना जी। टू बी फेयर, क्या कहा आपने? यूपी की जब इन दो सीटों पर चुनाव हो रहा था तो आपने भी सुना होगा, विकास के दावे किए जा रहे थे, योगी आदित्यनाथ के एक साल के कार्यकाल के दावे किए जा रहे थे, उनके विकास कार्यों के दावे किए जा रहे थे। मोदी जी का नाम नहीं लिया गया गोरखपुर। मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि स्पीच के ऊपर जब नंदी जी बोल रहे थे उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी बोले उसमें कहा था कि चार साल केंद्र की सरकार ने जो विकास किया है और एक साल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विकास किया उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चार साल केंद्र सरकार में और एक साल उत्तर प्रदेश की सरकार में जो काम किया है उससे जनता के मन में एक बात ही किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और जब बसपा ने इसका विकल्प बनाया समाजवादी पार्टी को तो जितने भी सेक्युलर वोट थे, जितने भी ऐसे वोट थे जो ये चुनाव एंटी बीजेपी चुनाव हो गया है, किसी भी तरह से वो लोग जो अहंकार में डूब गए हैं, वो लोग जो महापुरुषों की बेइज्जती कर रहे हैं, वो लोग जो अब सड़क पर जिन्होंने आम जनता का निकलना दुश्वार कर दिया, आप देखिए बलिया से लेकर लखनऊ तक। राजपाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, ये टोपी बड़ी अच्छी लग रही है, जानबूझ कर टोपी पहन के आए हैं क्या चिढ़ाने के लिए? टोपी को बहुत गाली दी इस सरकार ने। लाल टोपी का आज का राज क्या है भाई साहब? लाल टोपी का राज देखिए समाजवादियों ने, और ये आंदोलन का प्रतीक है, और टोपी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपमानित करने का काम किया था सदन में, और जिस तरीके से ये 17 पार्टियों से गठबंधन कर ले तो हमने तो कभी नहीं कहा, लेकिन हमारा दो चार पांच लोगों से हो गया गठबंधन तो इनके पेट में पीड़ा हो रही, बीजेपी के पेट में पीड़ा, बेमेल गठबंधन है मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी को अपना 17 पार्टियों से गठबंधन किए हैं, और हम अगर दो लोगों से कर लिए, दो चार लोगों से, तो इनको पेट में पीड़ा हो रही। और ये जनता ने इसी ये जो जुबान से जिस तरीके से बीजेपी की जुबान में जो जहर निकल रहा है था उसका जवाब दिया है। अब बीजेपी जितना झूठ बोल रही थी, बीजेपी की झूठ का ये जवाब जनता ने दिया है। जो सपने दिखाए थे झूठे, जनता झूठे से वादा किए थे, आज माननीय अखिलेश यादव जी के काम को लोगों ने याद किया है, माननीय अखिलेश यादव जी की छवि को आप लोगों ने अपना, और माननीय अखिलेश यादव जी की जो सोशल इंजीनियरिंग है, माननीय अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है, अगर राजपाल कश्यप साहब जातिवादी कि आखिरी मौके पर जो रणनीति बुआ बबुआ ने मिलकर की बीजेपी को चित कर दिया, लेकिन आप यहां पर ये कहें कि अखिलेश जी के नाम पर वोट पड़ा है, अखिलेश जी के विकास की जीत है। भाई अगर अखिलेश जी के विकास की जीत होती तो 2017 के विधानसभा चुनाव में वो विकास की जीत होती ना, उपचुनाव में कैसे विकास की जीत हो गई, कौन सी आपकी सरकार बन रही है? हाँ, आपने जो सामाजिक ताना बाना बुना उसकी जीत मैं जरूर बोलूंगा, नहीं उस पर आपने जरूर पटखनी दे दी बीजेपी को। नहीं, सामाजिक ताना बाना भी था, और सामाजिक ताने बाने के साथ में अगर उस पार्टी के जो नेतृत्व कर रहा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर कोई वजूद नहीं है तो ताना बाना कितना भी बुन लीजिए, फिर ताना बाना कितना भी बुन लीजिए, दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का खुद में वजूद था, ऐसा नहीं, और दोनों लोगों के मेल से, और बुआ बबुआ का साथ कितना लंबा जाने वाला है, अब तो कम से कम ये नजर आ रहा है कि बड़ा लंबा साथ अब बुआ बबुआ का चलेगा, अब तो 2019 तक भी पहुंचेगा। अब देखिए बीजेपी क्या करती है, अब बीजेपी षड्यंत्र करेगी, बीजेपी षड्यंत्र करेगी, अब बीजेपी पेट में आज अब देखिए क्या क्या करते हैं, अब आप देखते जाइएगा, बीजेपी को जब मिले थे तब उसी दिन से आवाज बदल गई, गाली देने लगे दलित और पिछड़े और शोषितों को, अल्पसंख्यकों को कीड़े मकोड़े समझ रहे थे ये लोग। जवाब ले लूंगा अनिल के अंकुर साहब से भी पूछ लो। अनिल साहब, आपके मुताबिक क्या संदेश दे रहे हैं नतीजे, ये जनादेश किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए अपूर्व जी, पूरा जो मामला है जैसा कि अभी हमारे सहयोगी भाजपा के जो प्रवक्ता जी ने बताया कि वोट परसेंटेज कम पड़ा, अब सवाल इस बात का उठता है कि वोट परसेंटेज कम क्यों पड़ा? बिल्कुल, देखिए वोट निकालता है कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को इतना उपेक्षित समझता महसूस कर रहा था, इतना ज्यादा उपेक्षित महसूस कर रहा था कि उसको उसे लग रहा कि इस पार्टी में हमें काम करने से कोई लाभ ही नहीं है। मैं किसी बगैर मंत्री का नाम लिए, बगैर किसी नेता का नाम लिए अपना बता सकता हूँ कि कुछ एक एक मंत्री के मतलब जो नाराजगी इससे जाहिर हो जाएगी किस प्रकार की नाराजगी है,
एक कार्यकर्ता पहुंचता है मंत्री के पास कि हुजूर ये काम है कर दीजिए, कहने क्यों कर दे, कहने ये फला अधिकारी है इसने हम लोग का बड़ी मंत्री पार्टी के बाद काम करता है, कहने अच्छा इसके लिए लेटर लेके लायो, कहने जी जी सर सर लेके आयो, कहने अब मैं सस्पेंड करूंगा। तो कार्यकर्ता ने वही सबके सामने मंत्री को जितनी आलोचना करने, मैं अपना घर बेच के आपकी सेवा करता, अपना खेत बेच के सेवा करता, जब आप आते झंडे झंडे लेकर के मैंने खेत बेच के लाता है। तो कार्यकर्ता का रोष यही, ये एक प्रदर्शन है कि किस किस तरीके से कार्यकर्ता क्यों दुखी हो रहा था। कार्यकर्ता जब सुबह जुड़ता है किसी पार्टी में तो ये उम्मीद से जुड़ता है कि क्रांति करने के लिए नहीं जुड़ता है, क्योंकि लगता है कि हम अब हमारे कुछ काम हो जाएंगे, हम समाज में कुछ ऊंचा स्थान पा जाएंगे, इसलिए जुड़ता है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी में जो जो पद पा गए सबने कानून की किताब ले ली, और जब कोई कार्यकर्ता उनके वहां पहुंचा तो कानून की किताब खोल दिखा दिया कि ये यार तुम्हारा कुछ अनुच्छेद की धारा उप काम में ये काम नहीं हो सकता, तो कार्यकर्ता क्यों जुटेगा। यही कारण कि वोट परसेंटेज 57% से 37% रह गया। बिल्कुल, आपको आपको लगना पड़ेगा जो आपके साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए कुछ साबित करना पड़ेगा कि आप उसके लिए हो। अगर नहीं हो गए तो यही हाल होगा जो आज हुआ है, और अगर अगर यही नहीं सुधरे तो हाल और बदतर हो जाएगा, उनको सोचना होगा। दूसरी बात जनता की रही, इन्होंने जनता को जो सपने दिखाए, जो कहा, उनमें कितना पूरा हुआ, वो हम लोग लगातार तमाम डिबेट्स में इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि सरकार ने कितने सपने दिखाए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आपने भी रोज रोज अलग डिबेटें हुई हैं, उन डिबेट्स में आपने बताया। तो अब ऐसी स्थिति में जनता की नाराजगी जाहिर थी, ये दो प्रमुख कारण थे। और इसके अलावा एक कारण भी हाल में हो गया, इनके जो मंत्री नंदी है ना, नंदगोपाल नंदी, उनकी भाषा क्या बोले, मतलब भाषा शैली को नियंत्रण नहीं रह गया। कल एक भाजपा में शामिल हुए नरेश अग्रवाल, उनकी शैली, तो जनता पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। और यही असर है जो जो चुनाव में ये तीन चार चीजें नहीं है, ऐसी तमाम चीजें मिलती जाती हैं जब कोई पार्टी। और भी कई कारण है, और भी कई कारण है जिन पर हम ब्रेक से बाद आने के बाद चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मंथन होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। पच्चीस साल बाद मिले सपा बसपा के दल, तो योगी केशव के दुर्ग में घुस गई साइकिल। सूबा दर सूबा उपचुनाव में बीजेपी की हार जारी, क्या 2019 में बीजेपी पर भारी पड़ेगी यारी। तो सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, मुझे बताइए एक बार आपसे रिस्पॉन्स चाहूंगा, जो अनिल के अंकुर साहब ने एक पॉइंट रखा कार्यकर्ताओं को उपेक्षित महसूस होने वाला, उस पर आपका रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद एक और मेरा सवाल है आपसे। देखिए अपूर्व जी, अनिल के अंकुर जी वरिष्ठ पत्रकार है, लंबे समय से राजनीति को देखते रहे हैं, उनका अपना विश्लेषण हो सकता है, लेकिन इस बात को सच्चाई को मैं इग्नोर नहीं करूंगा कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संस्कृति को दूषित करने का काम पिछली सरकारों ने किया है। जिस प्रकार से राजनीति को सेवा का माध्यम नहीं बल्कि मेवा खाने का माध्यम बना करके रखने का काम किया है, उसके कारण जरूर कहीं ना कहीं कुछ विचलन की स्थिति उत्पन्न हुई है, कुछ अपेक्षाओं के साथ लोग जुड़े हैं, इसको मैं पूरी तरह से इग्नोर नहीं करूंगा। लेकिन हम एक राजनीति में, राजनीति को सेवा का माध्यम नहीं बल्कि मेवा खाने का माध्यम बना करके रखने का काम किया है, उसके कारण जरूर कहीं ना कहीं कुछ विचलन की स्थिति उत्पन्न हुई है, कुछ अपेक्षाओं के साथ लोग जुड़े हैं, इसको मैं पूरी तरह से इग्नोर नहीं करूंगा। लेकिन हम एक राजनीति में शुचिता को स्थापित करने के लिए, सिद्धांतों की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उसी वैचारिक शुद्धता को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इसमें कहां चूक हुई है, दो सीटें लाके सरकार बनाने का काम करते हैं, जरूर बहुमत न मिलने के बाद सरकार बनाते हैं, इस प्रकार की कार्य प्रशासनिक कार्य संस्कृति को दूषित करने का काम किया, उसी प्रकार से राजनीतिक संस्कृति को भी दूषित करने का काम किया। ये हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ताओं में इस तरह का रोष हो, लेकिन हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, जो सिद्धांतों पर राजनीति करता है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए गए रास्तों पर काम करता है, और उसी कार्यकर्ता के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सिद्धांतों की बात कर रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, आप राम का अपमान करने वाले, ठरदे में हनुमान बताने वाले, पाकिस्तान का एजेंट जिसको आप ही बताते थे, नरेश अग्रवाल को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और सिद्धांतों की बातें कर रहे हैं। सर अपूर्व जी, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके नरेश अग्रवाल इस तरह की बात कहने की हिमाकत नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तत्परता से कार्रवाई करेगी।
आप ये समाजवादी तत्परता से नंदी जी के खिलाफ तत्परता से कौन सी कार्रवाई हुई है? नंदी जी ने जो कुछ भी कहा था उन्होंने स्वयं उस पार्टी में खेद भी जारी किया, माफी भी उस बात के लिए मांगी, और उन्होंने खुद कहा कि ये सोशल मीडिया पर आए एक चुटकुले को उन्होंने उद्धृत करने का काम किया था और ये उपमा का मसला था, ये गलत है, नहीं करना चाहिए था, लेकिन जितना उसको बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने का काम किया गया वास्तविकता में इतना बड़ा अपराध भी नहीं था। ठीक है, फिर भी नंदी जी अब आज के चुनाव पर आते हैं, अब आज के चुनाव पर आते हैं। मुझे बताइए, आप लोग ये कह रहे थे बार बार, आप भी जब भी हमारे स्टूडियोज में आते थे कि आप देखिएगा पूर्व जी, हमारे सुशासन की जीत होगी, योगी सरकार के एक साल के विकास की जीत होगी। आज आप क्या कहेंगे? आज योगी सरकार के विकास की हार मानेंगे? इसे मानेंगे कि आप गढ़ में हार गए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह लगता है कि आप काम नहीं कर पाए या फिर जो काम किया है वो लोगों तक पहुंचा नहीं पाए? देखिए अपूर्व जी, जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो हम उसका श्रेय भी सामूहिक लेते हैं और जब हारते हैं तो उसका श्रेय भी सामूहिक, उसकी जिम्मेदारी भी सामूहिक रूप में ही देखते हैं। जीतने के भी कई कारण होते हैं और हारने के भी कई कारण होते हैं। हम किन कारणों से हारे हैं इसकी हम समीक्षा करेंगे और जो कमियां खामियां रह गई हैं उन कमियों खामियों को दूर करने का काम भी करेंगे। लेकिन आज प्रश्न उनसे भी पूछा जाना चाहिए जो ईवीएम में गड़बड़ी का हवाला देकर के अब तक छाती पीटते थे। आज किसी ने ईवीएम पर कोई आरोप नहीं लगाया, आज ईवीएम पूरी तरह से पाक साफ हो गई। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में ये नियति रही है कि जब जब उपचुनाव हुए हैं तो सत्ताधारी दल ने पूरी तरह से दुरुपयोग करके हमेशा उसको जीतने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस परंपरा को भी तोड़ा है। अरे पूरी पूरी कोशिश करी तो आज ये सीटें हमारे ना होते, हमने निचले स्तर पे ही मीडिया को बधाई, किस प्रकार मीडिया ने लड़ाई में पूरा पूरा साथ दिया, एसडीएम लाल तहसीलदार की थी, किस प्रकार से अधिकारियों को वहाँ पर इस बात के लिए लगाने दिया था जी राजपाल के दरोगा इस बात में काम करते थे, पूरी प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का काम पिछली सरकार किया करती थी, लेकिन हमने सरकारी मशीनरी का किसी तरह का कोई दुरुपयोग नहीं। तो सर इसका भी जवाब दे दीजिए राकेश जी इसका भी जवाब दे दीजिए। 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी थी, पहले राउंड की काउंटिंग में ही अटके थे, डीएम साहब ने फिर नतीजे रोके क्यों? इसका भी जवाब होना चाहिए। देखिए वो उसका जवाब डीएम साहब ने स्वयं दे दिया था कि 5 अलग अलग विधानसभाओं के कि उन्होंने अलग अलग जगह पे काउंटर लगा रखे थे और वहां से कलेक्ट करने में उसके वेरिफिकेशन में चूंकि पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर केवल 2 थे, इस नाते मीडिया को क्यों रोक दिया फिर? कम से कम ये चीज मीडिया तुरंत जानकारी देती ना। अपूर्व जी नहीं, अपूर्व जी जैसे ही जिला प्रशासन ने इस बात को समझा, वहां निर्वाचन आयोग ने इस बात को समझा तो उसका एक व्यवहारिक हल निकाला और व्यवहारिक हल निकालने के लिए वह व्यवस्था बनाने अगर विधानसभा में और मीडिया ने रखा होता अगर कहीं करने की भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चलिए जो भी है जो भी है, लेकिन राजपाल कश्यप साहब ठीक है, राजपाल कश्यप साहब कम से कम आज आप समाचार पत्र पर ये कम से कम शपथ ले लीजिए कि आज के बाद से जीत हो चाहे हार हो, कम से कम आज के बाद से आप लोग ईवीएम का रोना नहीं रोएंगे, चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो, ये शपथ लेंगे अपूर्व जी, क्योंकि इसी ईवीएम से आज आपको जीत मिली है। नहीं अपूर्व जी, हम शपथ लेते हैं कि ईवीएम हटाया जाए, मशीन कभी भी गड़बड़ की जा सकती है, कभी भी ठीक की जा सकती है। ये फिर आपने वही बात बोली, ये मुझे बताइए ना, मशीन गड़बड़ की जा सकती है तो ये गड़बड़ आप चुनाव आयोग ने जब बुलाया था कि गड़बड़ करके दिखाओ जो आरोप लगा रहे हो, सो रहे थे क्या? अच्छा, आप लोग क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए आप लोग? अपने आपके पास बड़े इंजीनियर्स हैं, आपके पास पूरा तंत्र लेकर जाके दिखाते, जो आपको ये बता रहे हैं, जो आपको ये कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ हो सकती है, आप लोग तब सो रहे थे। अपूर जी आवाज कट जा रही है। अपूर जी देखिए, जब ये मशीन गड़बड़ करना चाहेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, और देखिए मशीन कभी भी गड़बड़ की जा सकती है, गड़बड़ करना नहीं चाह रहे। देखिए मुख्यमंत्री और आज सर आज फिर तो आज से ज्यादा क्या मौका होता सर, ईवीएम गड़बड़ अगर करना चाहते तो दोनों एक सीएम की साख जुड़ी थी एक सीट से, राजपाल जी एक सीट पर सीएम की साख जुड़ी थी, एक सीट पर डिप्टी सीएम की साख जुड़ी थी। देखिए अपूर जी इस बार वीवीपैट लगा था, पहली बात तो ये, सभी मशीनों में वीवीपैट लगा था
और तीसरी बात ये कि हम लोगों ने रात तक रखवाई, यही मैं पूछ रहा हूँ, आप वीवीपैट लगा मशीनें रखी, वही मैं पूछ रहा हूँ, हम लोग जानते थे गड़बड़ी कर सकते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने रात रात रखाया है वहाँ पे, और साथ भी लूट लिया और साथ साथ में इन लोगों ने गड़बड़ी करने का फिर वो किया, तो आप क्यों नहीं भरोसा कर सकते? दुनिया के जितने तकनीकीशील देश है वो बैलेट से करा रहे हैं, बैलेट का मतलब कि नहीं लुटे थे, नहीं बैलेट पेपर गलत तरीके से बैलेट से जब वाले देश है वो बैलेट से करा रहे हैं, तो क्यों नहीं बैलेट से करा दे रहे? दूसरी बात ये, तीसरी बात एक ये है कि बीजेपी की मंशा साफ हो गई थी जिस तरीके से परिणाम रोक दिए, हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धन्यवाद देते हैं कि टीवी चैनलों ने जब लगातार खबरें चलाई, विधानसभा से लेकर लोग धरने पे बैठ गए, तब तो रिजल्ट घोषित किए गए, नहीं तो लाठीचार्ज करा के ये सब रिजल्ट जैसे तैसे हम किया करते थे। आपने कानपुर सिकंदरा में किया, आपने कानपुर सिकंदरा में आगे बढ़ते हैं, चलिए अब कम से कम ये, हाँ अब अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए सर, रिजवी जी से सवाल है मेरा, कांग्रेस अभी तक तो स्थिति थी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन भाई पीएल पुनिया आज सामने आए, कहा कि नींव रख दी है, बड़ी नींव रख दी है महागठबंधन के लिए सोनिया जी ने, तो क्या अब ये उम्मीद की जा सकती है कि आपकी जो हालत है यूपी में, खास तौर से जो हालत हो रही है और पूरे देश में जो हालत हो रही है, धीमे धीमे गायब होते जा रहे हैं नक्शे से हिंदुस्तान के, अब आपकी ये मजबूरी हो जाएगी कि 2019 में सपा बसपा के आज का जो नतीजे देख के उनके साथ आप हो लें, नहीं तो फिर अलग होंगे तो दिक्कत आपके लिए ही है, तो माने 2019 में महागठबंधन हो जाएगा यूपी में। पहली बात तो ये है कि अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमने बताया है कि कहां कौन कितना ताकतवर है और कौन वापसी कर रहा है। दूसरी बात ये कि विपक्ष को एक साथ लाने, तो क्या सर यही मोटो है कि अभी बस उपचुनाव जीते जाओ, खुश होते जाओ, बात पूरी हो जाने दिए, तो बात पूरी हो जाने दिए ना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप मेरी पर भी बात सुन ली, फिर क्वेश्चन करिए ज्यादा बेहतर रहेगा जी, बोलिए। और मैं यहाँ बैठा हूँ, कहीं जा तो रहा नहीं, जवाब दूंगा ही दूंगा जी जी, बोलिए पूर्ण जी। ये लोकसभा के उपचुनाव के बीच में ही राज्यसभा के चुनाव के लिए हमने सारे विपक्ष को एक करने की पहल में अपने खुद भी आगे बढ़े हैं। कांग्रेस के विधायकों ने बैठ के मीटिंग करी और कहा कि हम विपक्ष के कैंडिडेट को वोट देंगे, तो पूरे विपक्ष को एक करने में कहीं भी हम अलग ना थे, ना है, ना रहेंगे। डिनर के लिए सबसे पहले हमने इन्वाइट किया, क्योंकि हमारे प्रत्याशी मैदान में आ चुके थे और हमने जातीय समीकरण को तोड़ने से जातीय समीकरण के बिल्कुल विपरीत प्रत्याशी उतारे थे। हमने एक कोशिश करी, ये इलेक्शन कुछ सीखने या कुछ सिखाने का था, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कुछ सिखाया, साथ में हमें भी कुछ सिखाया, तो जनता ही जनादेश। अच्छी बात है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कई बड़े कम नेता हैं जो ऐसे सामने एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए सच को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नतीजे बहुत बुरे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता देखा है मैंने कि कांग्रेस के कई नेता मर रहे थे, एक ढाल बनाते हैं, कोई ढाल बनाते हैं, लेकिन जब हाँ जी बोलिए जी, बात जब जब गोरखपुर में नन्हे नन्हे कन्हैया मर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा, एक मंत्री ने कहा, जिसकी जिम्मेदारी थी कि साहब इस महीने में बच्चे मरते हैं, शायद इन सब चीजों से कहीं ना कहीं जो है अंतरात्मा की आवाज जनता की तरफ निकली, कि जनता को दिन में ये बात बैठ गई थी कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हम उसका विकल्प क्यों नहीं बन पाए, इसके लिए हमें समीक्षा करनी पड़ेगी, हमें अपनी हार के बारे में बैठकर सोचना पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात विपक्ष को एक करने की है, विपक्ष को मजबूत करने की है, हम उसमें साथ में हैं, और राज्यसभा में हमने कहा है कि हम विपक्ष के प्रत्याशी को पूरा समर्थन देंगे, ठीक है, और ये बात हमने लोकसभा के पोलिंग से पहले ही कह दी थी। चलिए अनिल के अंकुर साहब, एक संदेश तो इन नतीजों ने यह भी दिया है कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, अगर वो एकजुट होकर चुनाव लड़े तो मोदी के दुर्ग को भी भेदा जा सकता है, ये एक मैसेज है, तो क्या हम 2019 के परिप्रेक्ष्य में ये समझे कि पूरे देश में राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय छत्रप आगे आएंगे, और इस जिस तरीके से सपा बसपा ने एक साथ मिलकर एकदम चित कर दिया बीजेपी को, रणनीतियों पर सारे फेल हो गई बीजेपी, और खुद ये मानना पड़ा कि कहीं ना कहीं हमें पता नहीं था, पता होता तो उस हिसाब से रणनीति बनाते। ये बिल्कुल ठीक है पूरी जी आपने, कि जो क्षेत्रीय छत्रप है ये इनमें इतनी ज्यादा वोटों, क्या क्या देखिए आप इलाका वाइज देखिए कि किस क्षेत्र में किस किस जात का किस पार्टी का वोट किस तरीके से है, तो उसी आधार पे
मतलब क्षेत्रीय दल बने और क्षेत्रीय दलों ने अपने अपना प्रभुत्व अपने अपने इलाके तय कर लिए, जैसे कि निषाद पार्टी थी, निषाद पार्टी जो समाजवादी पार्टी ने जिनको अपना टिकट दिया, और उनका अपना केवल गोरखपुर में 3 लाख 3.5 लाख के आसपास वोट था, केवल गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में। तो इस प्रकार के तमाम इलाकाई क्षेत्र थे जिनको जिनका अपना अपना क्षेत्र था, जिनका अपना अपना प्रभुत्व था ये, और इसका पूरा लाभ जब ये एकजुट हो गए तो इसका लाभ इस चुनाव में मिला। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पहले से ही अपना दल और दो तीन दलों के साथ अपने थे ऑलरेडी थे, अब उनका नया क्षेत्रीय लोगों से उनकी दोस्ती करने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं बनता था, उन्होंने उसी पुराने ही गेम पर दांव लगाया और जो हाल हुआ आपने देखा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो सब जानते हैं कि वो ट्रांसफरेबल होता है, अगर मायावती कह देंगे, बसपा सुप्रीमो कह देंगे तो वो ट्रांसफर वोट 100% ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि चुनाव के पहले और आज सुबह मतगणना के पहले तक ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इलाहाबाद से भी टीवी चैनल पर कह रहे थे। अनिल केंकुर साहब, ये तस्वीरें मैं चाहूंगा, ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, वो अपने दर्शकों को दिखाएं, आप भी देखिए तस्वीरें, मायावती की आवाज की लाइव सीधी तस्वीरें आ रही हैं। अखिलेश यादव मिलने पहुंचे हैं मायावती से, तो अब ये मान लिया जाए उत्तर प्रदेश में जो एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश की गई थी, जो एक टेस्ट किया गया था, वो टेस्ट पास हो गया है और अब ये टेस्ट बड़ा लंबा जाएगा, अब इसके नतीजे बड़े लंबे जाएंगे। हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं मायावती की आवाज से, अखिलेश यादव मायावती से मिलने पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसे यही समझा जाएगा कि अब मायावती के साथ सीधे तौर पर एक मंच पर आकर चुनाव लड़ने की बात होगी, गठबंधन की बात होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ समर्थन था, अभी तक फौरी तौर पर समर्थन किया गया। बसपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ अपने वोटर्स से ये बात की कि आप सपा के कैंडिडेट को वोट दें, लेकिन अब 2019 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बड़ी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। अनिल केंकुर साहब, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहा जाए, क्या संदेश दे रही है? देखिए, निश्चित रूप से इन तस्वीरों को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं के लिए तेज धड़कन करने वाली तस्वीरें हैं जो काफी मतलब जो अभी इस पहले जो समझौता था, समझौते को लेकर के तमाम वाक्य मतलब डायलॉग बोल रहे थे कि एयरबेयर के दो दोस्ती है, तमाम तरह तरह के भाषण हो रहे थे, लेकिन आज जो तस्वीर अभी आपने ताजा दिखाई है उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक जो दल है उनके लिए चिंता का विषय है कि अगर वो न चेते तो आगे परिणाम और गंभीर होंगे और जनता उनको करारा जवाब दे सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो आज गठजोड़ दिखा है उसने जो पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं इन पार्टियों के लिए, उसके परिणाम को देखने मिलेंगे जैसा मुझे लगता है। तो राकेश त्रिपाठी जी, तस्वीरें देखकर धड़कनें तेज हो रही है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी की राजनीति का जो स्टाइल रहा है वो किसी के साथ गठबंधन करके ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता है, और राज्यसभा चुनाव के ही परिणाम आ जाने दीजिए और उसके बाद अगर गठबंधन पर आगे चर्चा बढ़ती है तो हमें लगता है रोचक होगा। सीटों का वितरण, सीटों का बंटवारा अगर कर लेते हैं और उसके बाद गठबंधन आगे जारी रखते हैं तो जरूर रोचक होगा। आने वाला समय तय करेगा कि गठबंधन का भविष्य क्या होगा, लेकिन हम अपनी रणनीति जरूर पुनर्विचार करेंगे कि अगर गठबंधन हो ही तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इस जातिवादी तंत्र को तोड़े, सामाजिक समीकरण बनाने के इनके जो प्रयास हैं उसको हम किस प्रकार से खारिज करें और विकास के एजेंडे के साथ जनता को कैसे जोड़े, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की के बदौलत हम कैसे नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनके नेतृत्व को फिर से स्थापित कराने का काम करें, हम इसके लिए एक नई रणनीति के साथ फिर 2019 के चुनाव में मैदान में होंगे। लेकिन अनिल केंकुर साहब, क्या लगता है, क्योंकि अगर आप सीधे तौर पर देखें नतीजों की, अगर पिछले बात करें, वोट बैंक की बात करें और वोट शेयर की बात करें, अगर समाजवादी पार्टी और बसपा का जो वोट शेयर मिला था, जो उन्हें वोट मिला था, दोनों को मिलाकर 50% होता है, भारतीय जनता पार्टी 42 के आसपास थी, और अब अगर जो स्थितियां नजर आ रही हैं उसमें तो यह भी लग रहा है कि कांग्रेस भी साथ आने को बोलेगी, तो वन वर्सेस ऑल वाली स्थिति हो जाएगी। ऐसा था जो उन्हें वोट मिला था, दोनों को मिलाकर 50% होता है, भारतीय जनता पार्टी 42 के आसपास थी, और अब अगर जो स्थितियां नजर आ रही हैं उसमें तो यह भी लग रहा है कि कांग्रेस भी साथ आने को बोलेगी, तो वन वर्सेज ऑल वाली स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में लगता है कि कोई काट इस तरीके के महागठबंधन की होगी, क्योंकि हमने देखा क्या स्थिति महागठबंधन के सामने बीजेपी की बिहार में भी हुई थी, यहां पर सिर्फ दो हुए तो क्या स्थिति हो गई, कोई काट रणनीतिक तौर पर? देखिए,
अगर इस जो जो परिस्थितियां बन रही जो आज जो दिखा है उसके बाद के जो जल दिख रहे हैं उससे निश्चित रूप से सारे सारे मतलब गैर भाजपाई दल एक साथ एक मंच पे आते दिख रहे हैं तो जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो इन अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो एंटी वोट है वो उसका परसेंटेज काफी ज्यादा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का 42% वोट था ना तो वो निश्चित रूप से 42% वोट जब था अब नहीं पड़ा और आगे क्या उड़लवा पाएंगे तो उनका वोट परसेंटेज और कम हो जाएगा जब उनका वोट परसेंटेज और कम हो जाएगा तो जो विपक्ष एकजुट हुआ है उसको और ज्यादा मार्जिन उसका लंबा हो जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की लकीर है उनको सोचना पड़ेगा। लेकिन एक राहत की बात जरूर है राकेश त्रिपाठी जी आप लोगों के लिए भी एक राहत की बात यह जरूर है कि जो वन वर्सेज ऑल की स्थिति से आपने अपने आप को मैनेज किया गुजरात में जहां हमने देखा वहां भी आप यही स्थिति थी वन वर्सेज ऑल वाली लेकिन आप बड़े छोटे मार्जिन से सही लेकिन आप सरकार बनाने में कम से कम कामयाब रहे। ऑल नहीं थी वहां बसपा अलग लड़ रही थी। नहीं देखिए बसपा का सर कितना जनाधार है वहां पर आप जानते हैं मैं वहां के क्षेत्रीय जनाधार के साथ जनाधार वाली बात नहीं देखिए मैं वहां के जनाधार के साथ आप रिकॉर्ड उठाकर देख रहे हैं वन वर्सेज ऑल स्थिति थी। जी राकेश जी नहीं देखिए एक बार जवाब ले लें फिर आता हूं एक बार जवाब ले लूं आसिफ जी जवाब ले लूं एक बार जवाब ले लूं सर जी राकेश जी अपूर्व जी हमें उत्तर प्रदेश बहुत खस्ताहाल बदहाल स्थिति में मिला था हमें समय कम हुआ है इस कम समय में हम अभी तो उन गड्ढों को पाटने में ही लगे हैं। आप तो ने तो स्वर्ग बना दिया ना स्वर्ग बना दिया पांच साल दिल्ली में बैठे हैं तक आते आते पांच साल दिल्ली में बैठे हैं साल का दूसरा यहाँ से पड़ रही होगी और आश्वस्त है जनता विकास के उत्तर प्रदेश आज जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश को पूरी तरह खारिज कर उत्तर प्रदेश के जो हालात पैदा कर दिए आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात है पूरी कानून व्यवस्था चलवा गई अंगोछा डाल के गुंडागर्दी चल रही इनकाउंटर फर्जी लोगों के हो रहे हैं भाई दोष तरीके तो आप बताइए 14 लोग की सरकार बन के धमका नहीं चलते सिकंदरा का चुनाव जीता है सिकंदरा 20,000 वोट जीत करके आप सरकार आप सर्वे चुनाव में अभी आपको ज्यादा समय नहीं हुआ ऐसा है कि जनता अब आपको सही से आईना दिखाएगी आपके झूठ के प्रवचन को बंद करवाएगी जनता जो झूठ का प्रवचन देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं ये मामूली जीत नहीं है देश के प्रधानमंत्री यही उत्तर प्रदेश से जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सीट से जाते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी सीट से जाते हैं वहां से हारे हैं ये मामूली जी नहीं और अब ये भाजपा मुक्त भारत का ये कार्यक्रम चलेगा भाजपा मुक्त भारत किया जाएगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की उत्तर प्रदेश ही उत्तर प्रदेश ने देश की गद्दी पे प्रधानमंत्री जी को बैठाला है और इसी यही उत्तर प्रदेश की जनता जिसको अपमानित किया है और जनादेश को भी आप कह रहे थे कीड़े मकोड़े ये जनादेश को कीड़े मकोड़े कह रहे थे केरवेर का सांप कह रहे थे आप जनादेश को गाली दे रहे हैं आज मुख्यमंत्री जी आज भी नहीं स्वीकार कर पा रहे मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है इसकी निंदा करते हैं हम मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री जिस तरीके के बयानों का अब नरेश अग्रवाल ठीक पार्टी में चले गए क्योंकि ये बयानों की पार्टी है और मुंह से बोलने वाली पार्टी है अब इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई नरेश जी पूरा समापन कम से कम ये दावा तो किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि यहां पर आकर वो जरूर बयानबाजी नहीं करेंगे आपके यहाँ तो पूरी खुली छूट थी अच्छा नहीं आपके यहाँ तो पूरी खुली छूट थी जो चाहे बोलो हमारे आपके यहाँ तो पूरी खुली छूट थी ने क्या करा इस बयान देने आलोचना कर रही है जया प्रदा के ठीक है यही ये राजनीतिक बहस तो चलेगी ये राजनीतिक बहस तो चलेगी फिलहाल समय कम है इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बिग बुलेटिन का हिस्सा बनने के लिए तो देखने वाली बात यह होगी कि बुआ बबुआ के साथ को क्या मिलेगा कांग्रेस का हाथ और अगर कांग्रेस के हाथ का साथ मिलता है तो क्या यह गठबंधन दे पाएगा बीजेपी को मात 2019 में देखेंगे फिलहाल इसी के साथ बिग बुलेटिन मिलता है।